सो गाइस फाइनली 200 के कंप्लीट होने वाला है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सिर्फ आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट से। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। एडवांस मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड लव यू यारो। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि चैनल के ऊपर और वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा वीडियो को स्किप करते हो ना कि देख के मन खराब हो जाता है और वीडियो का रैंक भी खराब हो जाता है। अगर सेम चीज इस वीडियो के साथ हुआ तो फिर शायद नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा। सो प्लीज ज्यादा स्किप मत करना यारो। तो भाई प्ले स्टोर के ऊपर तो काफी सारे इंडियन बास गेम देखने को मिलता है, पर उनमें से आपके जैसा मैंने भी काफी सारे गेम को खेला है लेकिन उतना ज्यादा खास नहीं था। लेकिन कुछ ऐसा गजब का गेम मिला है जिसको देख आप लिटरली हिल जाओगी। सो आज के इस वीडियो पे मैं आज बताने वाला हूँ टॉप 7 इंडियन बास सिमुलेटर गेम फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस, जिसमें आपका फेवरेट इंडियन हिल ड्राइविंग गेम भी देखने को मिलेगा। और भाई सभी गेम में बास साउंड कैसा है वो भी सुनाऊंगा। तो फर्स्ट से एंड तक सभी गेम फैंटास्टिक है और आपने लो एंड डिवाइस के ऊपर भी आराम से एंजॉय कर पाओगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारे लिस्ट पे नंबर 7th रैंक पर है कोली हिल्स ड्राइविंग सिमुलेटर, एक ऑफलाइन गेम है। तो मैं इस गेम के बारे में बोलूं तो इसमें बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स के साथ एक इंडियन स्टाइल मैप में आप ड्राइविंग कर सकते हो रियल इंडियन बस। गेम पूरा बेस्ट है हिल जंगल रास्ते के ऊपर जिसमें हेयर पिन रोड भी मौजूद है और ड्राइविंग इतना भी इजी नहीं होने वाला है। सिर्फ इतना नहीं, इंडियन बस के साथ इंडियन ट्रक ट्रैवलर गाड़ी भी देखने को मिलता है। बाय द रोड में हेवी इंडियन ट्रैफिक भी देखने को मिल जाता है जिसका एक्सपीरियंस तो भाई एक नंबर है। गाइस एक और इंटरेस्टिंग बात कहूं कि इसमें ना रोड में कभी कभार रोड एक्सीडेंट भी देखने को मिलने वाला है। बिसाइड बास का हॉर्न पूरे रेल के जैसा ही लगता है, तो एक बार हॉर्न मारना तो बनता है भाई। अब गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स एंड विजुअल्स काफी रियलिस्टिक देखने को मिलते हैं। तो भाई अगर आप एक ऐसा गेम ढूंढ रहे हो जिसमें लार्ज मैप में रियल इंडियन बस ड्राइविंग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लो एंड डिवाइस के ऊपर भी स्मूथली एंजॉय कर पाओगी। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट गेम में। तो दोस्तों हमारे लिस्ट पे नंबर 6 रैंक पर है ये स्मार्ट ड्राइविंग, ये भी ऑफलाइन गेम है। आई नो इस गेम का आपने इससे पहले कभी नहीं खेले हो क्योंकि ये गेम सिर्फ कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है। बेसिकली इस गेम में आपको मैप एंड बस मॉड इंस्टॉल करके खेलना पड़ेगा, जहाँ पे आप अपने हिसाब से मैप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। यहाँ पे ना एक फैंटास्टिक ओपन वर्ल्ड ऑफ रोड ड्राइव मैप देखने को मिलता है जिसका ग्राफिक्स तो भाई काफी जबरदस्त लगा है, जहाँ पे आप बस को लेके ट्रैफिक में से केयरफुली ड्राइविंग करना होता है। और भाई स्टीयरिंग व्हील के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट ड्राइविंग करते टाइम रियलिस्टिक ट्रैफिक एंड फास्ट पर्सन मोड में ड्राइविंग एक्सपीरियंस ओपी लेवल का वाइब्स देता है। और अगर आपने कोई भी गाड़ी को ठोक दिया तो आपका बस डैमेज भी हो जाएगा। मेरे को एक चीज सबसे जबरदस्त लगा है इस गेम का ग्राफिक्स कि देखिए डाउनलोड करने का मन करता है। डेवलपर ने इस गेम को थोड़ा बहुत बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम के जैसा डेवलप किया है, तो काफी सारे भाई का डिमांड रहता है कि मॉड वाला बस गेम लेके आओ। तो इस गेम को जाकर डाउनलोड करो, डेफिनेटली पसंद आएगा ब्रदर। तो अब चलते हैं एक और मजेदार गेम के ऊपर जिसका नाम है बस सिमुलेटर केरला। ये गेम इतना फैंटास्टिक है जब आप खेलोगे आपको भी पता चल जाएगा। बेसिकली ये गेम केरला टाइप मैप के ऊपर बेस्ट है जिसका ग्राफिक्स एंड विजुअल्स एक नंबर है भाई। तो आपको बस टर्मिनल से बस को डिपार्चर करके अपने पसंद के हिसाब से कहीं पर भी घूम सकते हो। और मेरे को तो भाई कोकोनट गार्डन में ड्राइविंग करने में काफी ज्यादा पसंद आया है क्योंकि थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग फील तो मिलता है। सिर्फ इतना नहीं, रोड के ऊपर कम्प्लीटली केरला ट्रैफिक देखने को मिलने वाला है और जब रोड जैम होता है तब रियल हॉर्न भी सुनने के लिए मिलता है। और इस गेम का बस हॉर्न काफी जबरदस्त है, तो एक बार हॉर्न को मरना तो बनता है बस। इस वाली गेम का ओपन वर्ल्ड मैप रियली काफी बड़ा साइज का है। इनफैक्ट ड्राइविंग करते टाइम आप अलग अलग कैमरा एंगल के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस जस्ट ओपी लेवल का फील देता है। और भाई गेम का ग्राफिक्स को देख के शायद आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो गया, इसलिए बोल रहा हूँ अगर आपको चाहिए ऐसा गेम जिसमें लार्ज ओपन वर्ल्ड मैप के साथ रियल इंडियन बस ड्राइविंग फील लेना चाहते हो और वो भी इंडियन स्टाइल विलेज एरिया में, तो ये गेम आपको निराश नहीं करेगा। आई प्रॉमिस अगर आपने नहीं खेलोगे तो गोल्डन गम को जरूर मिस करोगे। लो एंड डिवाइस के ऊपर भी मक्खन के जैसा रन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट गेम के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारे लिस्ट पे नंबर 4th रैंक पर है इंडियन बस सिमुलेटर। एक टाइम पे ये गेम ठीक ठाक था, मतलब चल जाएगा, लेकिन अभी के टाइम ये गेम इतना माइंड ब्लोइंग बनाया गया भाई क्योंकि न्यू अपडेट में इसमें रियल इंडियन बस टर्मिनल बना है जहाँ पे टर्मिनल में रियल बस खड़ा होता है। रोड में सिविलियंस और कभी कभार रोड में ट्रैफिक जैम भी रहता है जैसा रियल लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। सिर्फ इतना नहीं, कोई गाड़ी किसी गाड़ी को ठोक भी देता है लेकिन आपको हेवी बस ड्राइवर के जैसा साइड में से शॉर्टकट मार के जा सकते हो, जिसको करने में मेरे को तो भाई काफी ज्यादा मजा आता है। और गेम में सिर्फ 2 ही बस अवेलेबल है और साथ में बहुत सारे मिशन जिसमें गाँव इलाका टर्निंग रोड ऑफ रोड ड्राइविंग हिल ड्राइविंग भी कर पाओगी। ये गेम अभी के टाइम मेरा पर्सनल फेवरेट इंडियन बस सिमुलेटर गेम है क्योंकि गेम का रियलिस्टिक ग्राफिक्स डिटेलिंग काफी जबरदस्त बनाया डेवलपर ने। ओवरऑल देखा जाए तो इस गेम में मिलता है इंडियन स्टाइल मैप जिसमें रियलिस्टिक बस टर्मिनल, स्पीड ब्रेकर, ऑफ रोड ड्राइविंग, गाँव इलाका पूरा रियल वाली वाइब्स देता है। तो भाई अगर आपके पास 1 GB रैम का डिवाइस है तो इस गेम को स्मूथली एंजॉय कर पाओगी और भाई इस गेम का बस रन काफी रियलिस्टिक मिल जाता है। सो इसी के साथ चलते हैं अगली गेम की तरफ। फ्रेंड्स हमारे लिस्ट में नंबर 3rd रैंक पर है बस सिमुलेटर बांग्लादेश BD। ये भी ऑफलाइन गेम है, अगर आपके पास एक हैंड डिवाइस है तो ये डाउनलोड कर
करना। बेसिकली यहाँ पे आपको बस टर्मिनल से अपने पसंद के हिसाब से कोई भी बस में एंटर करके ड्राइविंग कर सकते हो, जिसका ग्राफिक्स तो रियलिस्टिक तो है ही, लेकिन कंट्रोल उतना खास नहीं है भाई। बिसाइड एक कैरेक्टर भी देखने को मिलता है जिसको लेकर आप पैडल करके फ्रीली इधर उधर घूम सकते हो। और एक बात की इस गेम का मैप उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, डेवलपर ने ये भी कन्फर्म किया है जल्दी नेक्स्ट अपडेट के थ्रू काफी कुछ ऐड किया जाएगा। साथ में रोड के ऊपर रियलिस्टिक ट्रैफिक भी देखने को मिलता है। इस गेम का आप थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए खेलो, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले एक और तगड़े वाला गेम के ऊपर जिसको आपको डेफिनेटली देखना है, खेलना भी चाहिए। नाम है बस सिमुलेटर एक्स। ये गेम काफी ज्यादा फैंटास्टिक होने वाला है एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। तो अब इस गेम के बारे में बोले तो इसमें बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स के साथ एक इंडियन स्टाइल एरिया में बस ड्राइविंग देखने को मिलता है, जहाँ पे अवेलेबल है काफी सारे लेवल। जो रूट है वो इतना ज्यादा टफ है भाई, जब आप ड्राइविंग करोगे तब पता चल जाएगा। इनफैक्ट आप देख के समझ ही चुके हो कि सभी रूट इतना ज्यादा हार्ड एंड चैलेंजिंग है कि फर्स्ट पर्सन मोड में ड्राइविंग करने में काफी ज्यादा मजेदार लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे टोटल 6 बस अवेलेबल है जिसमें टोटल 20 प्लस इंडियन बस हॉर्न सुनने के लिए मिलता है। जब ट्रैफिक जैम होता है तब कार बस वाला हॉर्न भी करता है। और रही बात गेम की ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स एंड विजुअल्स एंड डिटेलिंग काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाया डेवलपर ने। गेम का साइज ज्यादा नहीं है इसलिए आपने लो एंड डिवाइस के ऊपर भी स्मूथली खेल सकते हो। तो आप चलते हैं लास्ट गेम में। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लिस्ट में नंबर 1 तगड़े वाला गेम में, और गेम है बस सिमुलेटर इंडोनेशिया। इस गेम के बारे में कौन नहीं जानते हो, क्योंकि ये गेम अभी के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट इंडियन टाइप बस सिमुलेटर गेम में से एक है। ये गेम पॉपुलर है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें आप कोई भी व्हीकल का मॉड इंस्टॉल कर सकते हो, मैप को भी चेंज कर पाओगी, जिसके ऊपर यूट्यूब में काफी सारे वीडियो देखने को मिलता है। इन पर सभी गाड़ी को अपने हिसाब से फुली कस्टमाइज भी कर सकते हो। और पर्सनल मेरे को इस गेम में जो मैप है वो ज्यादातर ऑफ रोड मैप के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर ड्राइविंग करने में भाई रियलिस्टिक तो फील देता है। अलग अलग कैमरा एंगल के साथ ड्राइविंग ओपी लेवल का फील आता है। यहाँ पे डे होता है, नाइट होता है, और भाई रेनी वेदर में ड्राइविंग इतना रियलिस्टिक लगता है। और गेमिंग साउंड के साथ आपको ऐसा फील आएगा कि रियल बस को ड्राइव कर रहे हो। और रही बात गेम की ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स को आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। तो भाई अगर आपको मॉड इंस्टॉल करके ड्राइविंग करना पसंद है तो इस गेम का आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए, अदरवाइज एक बहुत बढ़िया गेम को मिस करने वाला हो। और स्मूथली खेलने के लिए आपके पास मिनिमम 3 से 4 GB रैम का डिवाइस तो होना चाहिए। सो गाइस वीडियो बस इतना ही। कौन सा गेम आपको पसंद है और खेलना चाहोगे प्लीज कमेंट करके बताओ। और थैंक्स अगेन फॉर 200 के सब्सक्राइबर। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।